मैं बता दूं, जो मौजूदा निजाम है जिसका उदाहरण लेके इस देश को बनाना चाहते हैं, मुसोलिनी का लेके, मुसोलिनी उल्टा टांगा गया था। संविधान का पहला लाइन, हम भारत के लोग हैं, और जिस दिन भारत के लोग चाहेंगे इनकी तानाशाही, बड़े बड़े हिटलर उखड़ गए, अंग्रेज जिनका शासन काल कहते हैं कि सूर्यास्त नहीं होता था, 200 वर्ष जिन्होंने शासन किया दुनिया पे, उनकी राजशाही उखड़ गई, तो ये मोदी और शाह क्या चीज है। अदालत का रुख हो गया, अभी अदालत में भी इसकी पूरी स्क्रूटनी होगी, और वहां से नहीं तो अभी जनता की अदालत में ये बिल पास नहीं हो पाएगा। ये 672 साल में आपकी आवाज निकली थी, जब पूरा जब मुस्लिम शासन काल था, तो नहीं, वहां भी आप रहे, वजीर आप ही रहे, वहां पे उनके टीम में आप ही रहे, उनके नवरत्न में आप ही रहे, मलाई आप ही चाटे, गुलामगिरी आप ही किए, तलवे आप ही चाटे। आइए इतिहास पे ही बात कर लेते हैं ना, आप कहिए कि मुस्लिम देश से हम व्यापार नहीं करेंगे, हिम्मत है तो कहिए ना, ये कहने से डरते क्यों है। जो मेरे टीचर भी रहे हैं, शोधार्थी हैं, मेरे छात्र रहे हैं, और तमाम वैसे लोग जो संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करना हमारा संविधान प्रदत्त अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से विश्वविद्यालय को खासतौर से मोदी सरकार ने और उनके इशारे पे कुंजी पास दिल्ली पुलिस ने और अनपढ़ सरकार ने जिस तरीके से विश्वविद्यालयों को निशाना बनाया है, जिस तरीके से हमने फुटेज देखे हैं, वीडियोज देखे हैं, कि जिस तरीके से जामिया में बर्बरता हुई है, वहाँ के चीफ प्रॉक्टर कह रहे हैं कि हमसे कोई इजाजत नहीं ली गई है, और दिल्ली पुलिस मनमाने तरीके से आपातकाल, ये नहीं तो और क्या है आपातकाल, कि जहाँ विश्वविद्यालय, हम लोग जब छात्र थे तो एक बार अगर विश्वविद्यालय में पुलिस आती थी या कॉलेज में आती थी तो पूरा हंगामा मच जाता है, कॉलेज में पुलिस किसके परमिशन से आई है। और आज देख लीजिए, चाहे JNU हो, चाहे जामिया हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे BHU हो, ऐसा लग रहा है कि पुलिसिया राज आ गया है, कि विश्वविद्यालय का प्रशासन एक खास तरह का प्रशासन होता है, इंटेलेक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, बगैर वाइस चांसलर के सहमति के, बगैर प्रॉक्टर डीन के सहमति के, कैसे दिल्ली पुलिस गई है और जिस तरीके से वहाँ पे हिंसा उन्होंने बरपाया है, जिस तरीके से अटैक किया गया है छात्रों पे, हमने देखा है महिलाओं को मारा गया है, बाथरूम में छात्र छुपे हुए थे, लाइब्रेरी में घुस के मारा गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सरकार जो है, इस सरकार की दिलचस्पी न शिक्षा में है न रोजगार में है, इनको सिर्फ गाय गोबर हिंदू मुसलमान करने में है। लेकिन मैं मुस्लिम नहीं हूँ, ये साथी खड़े हैं मुस्लिम नहीं, ये मुस्लिम नहीं है। तमाम वैसे लोग जो ये समझते हैं कि सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है, देख लीजिए रात के 1 से ज्यादा बज गए हैं, लगातार हजारों की संख्या में डिफरेंट कलर्स के कपड़े पहने हुए हैं। मोदी सरकार बताए कि हम लोग कौन से कलर के कपड़े पहने, हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि इस देश में अमन चैन हो। तो इस सरकार की दिलचस्पी ये देश के संविधान में नहीं है, इनकी दिलचस्पी मनुस्मृति में है, और दिल्ली पुलिस को लग रहा है कि मनुस्मृति का शासन ये लागू कर देंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से देश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने संविधान में ही इसके प्रावधान कर दिए थे कि जिस समय उन्होंने लिखा था भारत का संविधान, उस समय पहला जो अक्षर है, पहला लाइन है, हम भारत के लोग। यहाँ पे कोई तानाशाही नहीं चल सकती है। जिस दिन हम भारत के लोग जिस दिन सड़क पे उतरेंगे, उस दिन बड़े से बड़े तानाशाही को उकार फेंकेंगे। ये बाबा साहब और अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू और गांधी, तमाम ऐसे लोग, उनके वैचारिक मतभेद जरूर रहे हों, लेकिन वो जानते थे कि भारत बहुलतावादी देश है, यहाँ कई विभिन्न जातियां, संप्रदाय, भाषाई समूह के लोग रहते हैं, इसलिए सबके हितों की सुरक्षा संविधान में की गई थी। इसलिए मैं बार बार ये मोदी और शाह को ये पता नहीं ये बात कि संविधान का पहला लाइन, हम भारत के लोग हैं, और जिस दिन भारत के लोग चाहेंगे इनकी तानाशाही, बड़े बड़े हिटलर उखड़ गए, अंग्रेज जिनका शासन काल कहते हैं कि सूर्यास्त नहीं होता था, 200 वर्ष जिन्होंने शासन किया दुनिया पे, उनकी राजशाही उखड़ गई, तो ये मोदी और शाह क्या चीज है। हमारे ही वोट पर आए हैं, इस देश के लोगों की वोट पे आए हैं, और EVM के लीला पे आए हैं, तो देश की जनता समझ रही है। हर मोर्चे पे सरकार फेल हो चुकी है। एक आप इकोनॉमी का हालत देख लीजिए, महिलाओं की सुरक्षा का हालत देखिए, दुनिया में सबसे वर्स्ट कंडीशन है भारत में, और इसमें सुरक्षा देने के बजाय स्मृति ईरानी राहुल गांधी के एक वक्तव्य को उलट पुलट के पेश कर रही हैं। तो मैं आपके माध्यम से जताना चाह रहा हूँ कि आज मैं भी सोया हुआ था, और TV न्यूज देख के हमारे साथ ही देखिए बिस्तर से उठ कर आए हैं, तमाम लगातार यहाँ महिलाएं, छात्र छात्राएं,
विभिन्न जाति धर्म समुदाय के लोग हैं। ये कपड़े का कलर दिखा दीजिएगा जरूर, सबके कपड़े का कलर, कि मोदी जी बताएं कि जो जो इनका विरोध कर रहे हैं इनके कपड़ों का कलर क्या है। इसमें ज़्यादातर ब्लैक और ब्लू पहने हुए हैं, मेरा भी वैसे ही, आपका भी वैसे ही, इनका भाई साहब का भी स्वेटर वैसे ही है। तो यहाँ पे ये जो आप कॉमनल लाइन्स पे, जो कॉमनल लाइन्स पे आप देश को विभाजित करना चाह रहे हैं, इस देश की जनता बहुत समझदार है। इंदिरा गांधी किसी ज़माने में बहुत शक्तिशाली शासिका थी, लेकिन उनको भी इस देश की जनता ने हराया था। तो अब तो ये 21वीं सदी का भारत है, ये 20वीं सदी का नहीं है। दलित बहुजन वंचित जमात जाग रहा है, और इसका प्रमाण यह है कि 2 अप्रैल और 5 मार्च के लोगों ने भारत बंद कर दिया, और भारत सरकार को पीछे जाना पड़ा, और उनको SC ST एक्ट भी रिस्टोर करना पड़ा, और रोस्टर भी रिस्टोर करना पड़ा 200 पॉइंट्स। अरे अभी देखिए, अभी तो ये अंगड़ाई है, बाकी आगे और लड़ाई है। अभी तो देखते जाइए क्या हो रहा है। इनको लग रहा है कि देश में कोई लोग इनके ऊपर सवाल नहीं उठाएगा। ये लोकशाही है, सवाल करने का अधिकार हमको संविधान देता है। ये चाहे अगर इनकी इनकी अगर मान लीजिए कि इनकी मेजोरिटी भी है, तो मेजोरिटी का मतलब तानाशाही नहीं होता है। आपको देश की बहुलतावादी जो 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 कैरेक्टर है उसको ध्यान में रखते हुए आपको निर्णय लेना चाहिए, बुद्धि विवेक सम्मत निर्णय लेना चाहिए। आप एक तरीके से पूरा एक ये हिंदू राष्ट्र भी नहीं कहिए इसको, आप जो है ना जनऊ राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, पूरा ब्राह्मणवादी या पूंजीवादी सत्ता बनाने जा रहे हैं। इसके खिलाफ देखिए तमाम तरह के लोग यहाँ इकट्ठे हैं, सब तरह तरह के लोग इकट्ठे हैं, इनका विरोध जारी रहेगा। इस जो आप बात कर रहे हैं कि बिल वापस होगा, यानी अभी तो अदालत का रुख होना है इस बिल के लिए, और दूसरी बात ये जनता की अदालत का रुख हो गया, अभी अदालत में भी इसकी पूरी स्क्रूटनी होगी, और वहाँ से नहीं तो अभी जनता की अदालत में ये बिल पास नहीं हो पाएगा। ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, और मैं आपको बता दूँ इतना घटिया प्रधानमंत्री इस देश ने अभी तक नहीं देखा था। जो प्रधानमंत्री मंच से इतनी कम्युनल लाइन बोलता हो कि जो विरोध करने वाले हैं उनके कपड़ों के रंग से आप बता देंगे, इतना घटिया प्रधानमंत्री, इतना सांप्रदायिक प्रधानमंत्री नहीं हुआ है आज तक भारत के इतिहास में। और मैं बता दूं, जो मौजूदा निजाम है जिसका उदाहरण लेके इस देश को बनाना चाहते हैं, मुसोलिनी का लेके, मुसोलिनी उल्टा टांगा गया था। मुसोलिनी जब मरा था तब उल्टा टांगा गया था, आप ध्यान रखिएगा। तो वो भी ध्यान रखें कि जिसका आप एग्जाम्पल लेके इस देश में एक एक एक, एक सत्ता चलाना चाहते हैं, शासन चलाना चाहते हैं, उसका उसका अंजाम क्या होगा। और जो भी लोग किसी ग्रुप को टारगेट करके, मुसलमानों को टारगेट करके अगर ये समझ रहे हैं, या किसी ग्रुप को कि उनकी सत्ता बरकरार रह पाएगी, तो मैं उनको बता दूं कि इस देश में इतनी डाइवर्सिटी है, इस देश में इतनी विविधता है कि किसी एक ग्रुप का कभी वो नहीं डोमिनेंस अब नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आज आप किसी तबके के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो कल कोई तबका आपके खिलाफ खड़ा होगा। तो आप इस बात को समझिए, और इस सरकार जो हर मोर्चे पर फेल है, उसने इस अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जिस तरह से ये सांप्रदायिक बिल लेके आई है, सांप्रदायिक कानून लेके आई है, उसका विरोध कीजिए। आप एक बार बताओ, 21वीं सदी में आप बर्गर पिज्जा तो खा रहे हो स्पेन इटली का और अमेरिका का, आप कल्चर नहीं लोगे। अगर यही बिल पूरे, आप एक काम कहो, आप ये बोल दो कि हम मुस्लिम देश से हम तेल नहीं लेंगे, हम पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, और फिर वही बात कर रहे हैं। आप जो है ग्लोबल वर्ल्ड में जहाँ पे नेशनल बाउंड्रीज बिजनेस में टूट रहे हैं, अगर अमेरिका यही बिल ला दे वहाँ पे, तो वहाँ पे जो हिंदू बैठे हुए हैं, मिडिल ईस्ट में जो हिंदू बैठे हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे, उनके लिए आप क्या करेंगे? अरब से सारे हिंदू, जाहिर है, वही कह रहा हूँ ना कि इस ग्लोबल वर्ल्ड में आप एक बार बता दीजिए। आप तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो आपके वसुधैव में कौन कौन कुटुंब है आपके, ये बता दीजिए। 672 साल मुसलमान का शासन रहा यहाँ पे, उस समय तो आप चमचागिरी करके, चाटुगारी करके अपना जमीन और दान दक्षिणा लिए उनसे, और आज आपको जो है आप जानबूझ के कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए तरह तरह के ट्रिपल तलाक, तो CAB तमाम ये कर रहे हो। 672 साल में आपकी आवाज़ निकली थी, जब पूरा जब मुस्लिम शासन काल था, तो नहीं, वहाँ भी आप रहे वजीर, आप ही रहे वहाँ पे, उनके टीम में आप ही रहे, उनके नवरत्न में आप ही रहे, मलाई आप ही चाटे, गुलामगिरी आप ही किए, तलवे आप ही चाटे। आइए इतिहास पे ही बात कर लेते हैं ना। आप कहिए कि मुस्लिम देश से हम व्यापार नहीं करेंगे, हिम्मत है तो कहिए ना, ये कहने से डरते क्यों है? अगर दुनिया के तमाम मुल्क ये कह दें कि हम इसी तरह का कानून लाएंगे, और हिंदू को हम नहीं वहाँ पे आने देंगे,
तो अमेरिका में बैठ के जो बिजनेस कर रहे हैं और इंग्लैंड में और सऊदी अरबिया में और मिडिल ईस्ट में, आप क्या क्या भारत बनाना चाह रहे हैं? आप 2000 साल पहले लेके जाना चाहते हैं जहां सिर्फ गाय गोबर और गोमूत्र पे चर्चा होगी? ये 21वीं सदी का भारत है। उस एनआरसी को जो और पुराना छेड़ दिया, तो आप समझ लीजिएगा फिर आर्यों के इतिहास तक ये एनआरसी जाएगी। पूछा जाएगा कौन कौन यूरेशिया से आया था, वहां तक ये एनआरसी जाएगी।